नमस्कार, मैं हूँ प्रकृति। आप देख रहे हैं रितम। मजहबी उन्मादी देश में अशांति फैलाने और अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए खुद को आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। साथ ही ये बच्चों को भी इसी तरह की सीख दे रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन्हें अपने गुट में शामिल कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 4 अक्टूबर को महंत नरसिंघा नंद सरस्वती के विरोध में मेरठ के लिसारी गेट क्षेत्र में मुस्लिम भीड़ द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जो बेहद निंदनीय है। और इससे भी अधिक निंदनीय ये है कि ये नारे छोटे छोटे बच्चों ने लगाए। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि नरसिंघानंद सरस्वती के विरोध में नारे लगाने वाले बच्चे ज्यादातर नाबालिग हैं। बच्चों द्वारा आपत्तिजनक नारे सिर्फ मेरठ में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगे, जिनमें बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बुलंदशहर में तो बच्चों ने पत्थरबाजी की। इस दौरान दंगे को काबू करने गई पुलिस को भी इसका सामना करना पड़ा और एक पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। सोचिए, इतने छोटे छोटे बच्चों में किस तरह जहर भरा गया है कि इनकी मासूमियत ही खत्म हो गई है और ये ऐसे घृणित काम को अंजाम दे रहे हैं। ये घटना कोई पहली नहीं है। इसी तरह की कई निंदनीय घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें बच्चों ने प्रमुखता से भाग लिया है। इसी साल 22 सितंबर को महाराष्ट्र के जालना में इस विशेष धर्म के लोगों ने ईद के जुलूस के दौरान इसी तरह आपत्तिजनक नारे लगाए थे। इसमें 10 से 14 साल के बच्चों ने भाग लिया था। इसी साल 16 सितंबर को भी यूपी के सिद्धार्थनगर में बारोफात के मौके पर जुलूस के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। तो वही जिस तरह इन लोगों ने आज एक हिंदू महंत को खुलेआम धमकी दी है, उसी तरह 23 अगस्त को भी संत रामगिरी महाराज के विरोध में थाने के मुंब्रा में विशेष धर्म के लोगों ने इस आपत्तिजनक नारे का इस्तेमाल किया था, जिसमें बच्चों ने व्यापक रूप में हिस्सा लेकर इस नारे को दोहराया था। ऐसा ही मामला पिछले साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जब देश में तिरंगा फहराया जा रहा था, तब इंदौर के बड़वाली चौकी पर बच्चों ने आपत्तिजनक नारा लगाया था। इसके अलावा 9 अप्रैल 2021 को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर और बुलंदशहर में हजरत अली मस्जिद के बाहर समेत कई जगहों पर 7 से 8 साल तक के बच्चों ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। इन घटनाओं से पता चलता है कि लोग अपने बच्चों को सामाजिक शिक्षा देने के बजाय मजहबी उन्माद सिखा रहे हैं। बच्चों को इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना ये दिखाता है कि आतंकी बनने की राह पर चल पड़े हैं। जिस तरह से इनके आका इस देश में अशांति फैलाने और अपने प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में स्थिति और भी बदतर हो सकती है। ऐसे में प्रशासन और सरकारों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।